हेमंत सरकार द्वारा जारी की गई नई नियोजन नीति का भाजपा ने कड़ा विरोध किया। हरमू में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने प्रेस वार्ता करके कहा, हेमंत सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। नई नियोजन नीति जो कल कैबिनेट में पास हुई है वह सरकार की तुष्टीकरण की राजनीति को दर्शाता है। नियोजन नीति के तहत राज्य भाषा से हिंदी भाषा को निकाला जाना भाजपा कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। सरकार के इस फैसले के खिलाफ हम लोग सड़क पर उतरने का काम करेंगे और इसका भरपूर विरोध करेंगे। बहुत ही गंभीर विषय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठे हैं कि इस सरकार ने जो नई नियोजन नीति जारी की है जिसे कल कैबिनेट ने पास किया, इसका हम कड़ा विरोध करते हैं। भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश इसका कड़ा विरोध करती है और जो नई नियुक्ति संबंधी नियमावली जो पारित हुई है, हम मानते हैं ये राजभाषा हिंदी का अपमान है, ये बहुसंख्यक समाज के खिलाफ एक कुठाराघात है, ये तुष्टिकरण की राजनीति को बढ़ावा देता है और ये क्षेत्र विशेष के लोगों के साथ भेदभाव करता है। और ये हम आपको डिटेल में समझाएंगे कि हमारे इस कहने के पीछे का क्या आधार था। हम सब जानते हैं हिंदी हमारी राजभाषा है और पिछले वर्ष जो नोटिफिकेशन था नियुक्ति नियमावली के मेन पेपर का, और मित्रों आपको पता होगा कि मेन पेपर के आधार पर ही नियुक्ति होती है, रैंकिंग मिलती है और पहला जो प्रिलिमिनरी टेस्ट होता है वो सिर्फ स्क्रीनिंग के लिए होता है। तो लेकिन इनकी जो पहली नियुक्ति संबंधी नियमावली थी उसमें हिंदी भाषा मुख्य पेपर यानी पेपर टू में शामिल थी। इन्होंने सारी सीमाओं को लांघते हुए राजभाषा हिंदी को मुख्य पेपर से हटा दिया, राजभाषा हिंदी को सिर्फ स्क्रीनिंग पेपर में रखा गया, यानी आपको सिर्फ उसमें पास करना है, लेकिन मुख्य पेपर से इन्होंने हिंदी को हटाकर लाखों छात्रों के साथ अन्याय किया है। और हम मानते हैं कि ये राजभाषा का अपमान है। पूरे देश में हिंदी स्पीकिंग एरिया में कोई दूसरा उदाहरण नहीं है जहां स्टाफ सिलेक्शन कमीशन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की नियुक्ति में मुख्य पेपर में हिंदी नहीं होता है। तो झारखंड ने एक और ऐसा उदाहरण पेश किया जिसके लिए सरकार को शर्मसार होना चाहिए। इन्होंने मुख्य परीक्षा से हिंदी को हटा दिया। नियुक्ति नियमावली थी उसमें अगर आप देखेंगे तो हिंदी के साथ उर्दू भी शामिल थी। इन्होंने उर्दू को क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा की कैटेगरी में रखा लेकिन हिंदी को हटा दिया। हम तो इसे जानना चाहते हैं, हमारा उर्दू भाषाई लोगों से कोई विरोध नहीं, लेकिन जब ये उर्दू को मुख्य पेपर में रख सकते थे सिर्फ तुष्टिकरण के कारण, वोट बैंक की राजनीति के कारण, फिर हिंदी भाषा को हटाने का औचित्य समाज से परे है। साथ में ये सरकार बहुसंख्यक विरोधी अपनी नीति को बढ़ावा दे रही है, अल्पसंख्यक तुष्टिकरण का काम खेल रही है, अल्पसंख्यक वोटों के ध्रुवीकरण का प्रयास कर रही है, जो कि घोर निंदनीय है और हम इसकी कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं। मित्रों इसके बाद एक और जो मुख्य मुद्दा है वो ये है कि आप सब परिचित हैं कि पलामू गढ़वा का जो बेल्ट है उसमें भोजपुरी बहुत ज्यादा बोली जाती है, और अगर आप इस तरफ चले जाएं कोटा साहिबगंज के इलाके में तो अंगिका भाषा को भी बोलने वाले बहुत संख्या में लोग हैं। इस बार इन्होंने क्षेत्र विशेष के साथ भी अन्याय किया, यानी अलग अलग क्षेत्रों के साथ इन्होंने भेदभावपूर्ण व्यवहार किया और गढ़वा और पलामू के लोगों के साथ भोजपुरी को हटाकर अन्याय किया। वही अंगिका भाषा को इन्होंने अपने लिस्ट में मुख्य पेपर में कहीं जगह नहीं दी जबकि इसको लाखों लोग गोड्डा और साहिबगंज इलाके में बोलते हैं। देखिए इन इलाकों में एक हिंदी भी कॉमन लिंक है लेकिन अब इनके पास हिंदी का भी विकल्प नहीं बचा, तो हिंदी भोजपुरी हिंदी अंगिका बोलने वालों को इन्होंने एक तरीके से जो झारखंड के मूल वासी है खतियानधारी भी होंगे उनको इन्होंने एक ही झटके में बाहर कर दिया। और हम बार बार कहते हैं कि यह सिर्फ और सिर्फ तुष्टिकरण की राजनीति का इनका खेला हुआ कार्ड है, ये पूरे प्रदेश में एक वर्ग विशेष के वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहता है।